दोस्तों ओप्पो तैयार है 12 अक्टूबर को चाइनीज मार्केट में अपने ओप्पो K12 प्लस 5G को लॉन्च करने के लिए। अब आप में से ही बहुत सारे लोगों के अंदर ये क्वेश्चन आ रही है कि स्मार्टफोन इंडिया मार्केट में आएगा या फिर नहीं आएगा, तो कब तक आएगा, आएगा तो इसकी क्या कुछ प्राइस पॉइंट हो सकती है और हमें स्मार्टफोन के लिए वेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, या फिर इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह जो है क्या कुछ रखे जाने वाले हैं, वो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दे दूंगा। तो बस आप इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। सो हाय गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्टार्ट टू द वीडियो। सो दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपसे ओप्पो K12 प्लस 5G के जो एक बार सबसे पहले तो स्पेसिफिकेशन के बारे में बातें कर लेता हूं। तो दोस्तों यहां पे जो है आपको 6.7 इंच का एक फुल HD प्लस वाला फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जहां पे आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश ला कर दिया जाएगा। तो डिस्प्ले हम ठीक ठाक बोलेंगे, डिस्प्ले में शिकायत नहीं कर सकते हैं, डिस्प्ले ठीक होने वाली है। सामने की तरफ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा हो जाएगा जो कि पंचोल स्टाइलिंग के साथ में आएगा, तो ये भी ठीक बात है, मतलब एवरेज ज़्यादा हम कुछ इसमें नहीं बोल सकते हैं। बैक की तरफ जो है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा हो जाएगा जो कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ में आएगा, ठीक ठाक होने वाला है। एंड सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का हो जाएगा जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ में आएगा। खैर बैटरी में यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम करा गया है, जहाँ पे आपको 6400 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 6400 mAh की बैटरी होने वाली है जो कि टाइप सी पोर्ट के साथ में आएगा। एंड ये स्मार्टफोन जो है 80W के फास्ट चार्जिंग के साथ में आएगा, तो 80W के चार्जिंग के साथ में 6400 mAh की बैटरी ठीक है, कोई शिकायत नहीं कर सकते हैं। प्रोसेसर यहाँ पे क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 होने वाला है, जहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है LPDDR4X वाला रैम टाइप एंड UFS 2.2 वाला ये स्टोरेज टाइप प्रोवाइड करेगी, यही देखने को हमें मिल सकता है। एंड हाँ, यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले है तो उसका भरपूर फायदा उठाएगी कंपनी, एंड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको देखने को मिल जाएगा। 3.5 mm जैक मोस्ट वाली ऑब्वियसली बात है मिसिंग होने वाला है। डुअल सिम का सपोर्ट हो जाएगा, सब कुछ अच्छा रहा तो डुअल स्पीकर भी देखने को मिल सकता है, नहीं तो सिंगल स्पीकर में हमें काम चलाना पड़ेगा। एंड ये स्मार्टफोन जो है एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा। तो ये रही स्पेक्स की कहानी यहाँ पे ओप्पो K12 प्लस 5G की। अब दोस्तों ये स्मार्टफोन जो ऐसा कि मैंने आपको बताया कि 12 अक्टूबर को पहले तो चाइनीज मार्केट में लॉन्च होने वाली है। अब दोस्तों जब ये स्मार्टफोन चाइनीज मार्केट में लॉन्च होगी तो उस टाइम इसकी प्राइसिंग आप मानकर चलो कि अप्रॉक्सिमेटली 18-20-22 के आसपास देखने को मिलेगी, अप्रॉक्सिमेटली 20,000 के आसपास मानकर चलो इसकी प्राइसिंग आपको चाइनीज मार्केट में देखने को मिलेगी। बट जब ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में आएगा तो इसकी प्राइसिंग जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम ओप्पो की हिस्ट्री को देखें और इसकी प्राइस में अगर आपसे गेस कर पाऊँ तो इसकी प्राइसिंग आपको 30,000 के आसपास देखने को मिल जाएगी, और 30,000 रुपये के अकॉर्डिंग ये स्मार्टफोन मतलब डिजर्व नहीं करता। इसे बेटर स्मार्टफोन हमें इंडियन मार्केट में ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। अगर 30,000 का जिसका बजट रहेगा वो वीवो T3 अल्ट्रा ना ले लेगा, वो वीवो T3 प्रो की तरफ देख सकता है 22-23,000 रुपये में। तो काफ़ी अच्छे अच्छे स्मार्टफोन ऑलरेडी इंडियन मार्केट में अवेलेबल है, तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस स्मार्टफोन के लिए वेट करना। और हाँ, इंडियन मार्केट में कब तक आएगा नहीं आएगा इसकी तरफ से अभी कुछ भी ओप्पो इंडिया द्वारा कन्फर्म नहीं बोला गया है, मतलब कुछ बोला ही नहीं क्या ओप्पो इंडिया द्वारा, तो इंडियन मार्केट में आने के इसके चांसेस भी मतलब बहुत कम है। बट हाँ, मतलब 50-50 का चांस है, ला भी सकती है कंपनी, नहीं भी ला सकती है, क्योंकि K12 सीरीज का ऐसा स्मार्टफोन में पास्ट में देखने को मिला है, तो इसको भी अगर ये रहता है तो लेकर आ सकती है। बट अगेन फिर वही चली आती है बात कि इसकी प्राइसिंग जो 28-30,000 रुपये इंडिया मार्केट में रख देगी तो फिर स्मार्टफोन को कौन ही खरीदेगा, क्योंकि फिर उससे बेटर ऑप्शन हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया वीवो T3 अल्ट्रा है वो सब प्राइस रेंज में ऑलरेडी अवेलेबल, रियलमी GT60 वगैरह भी वहाँ पे आ जाता है, तो फिर स्मार्टफोन का सेंस नहीं बनता है। तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस स्मार्टफोन के लिए वेट करो, ऑलरेडी इंडिया मार्केट में बढ़िया स्मार्टफोन है तो आप उसकी तरफ देख सकते हो। खैर अभी सेल वगैरह आने वाला है फिर से बिग बिलियन डे, जब सेल खत्म हुआ है बट अभी एक और बिग बजट सेलिंग ऐसा कुछ करके है, उत्सव सेल, बिग सेल शॉपिंग उत्सव सेल करके फ्लिपकार्ट का शुरू होने वाला है, तो उसके लिए आप वेट कर सकते हो। 9 तारीख से वो भी शुरू होने वाला है, तो उसमें से भी आप जाके अच्छे अच्छे ऑफर्स में फ़ोन परचेज कर सकते हो। खैर यही सब इन्फॉर्मेशन थी फिलहाल जो मैं आपको देना चाहता था ओप्पो K12 प्लस 5G से रिगार्डिंग। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा ही कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे ही एक और नई वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय बाय। We'll be right back.